सुपेरा थाना पुलिस ने स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर को धमकाकर 5 लाख की फिरौती मांगने वाले राजनांदगांव निवासी आरोपी संजीव जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया है। बीते दिनों स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय गोयल के चेम्बर में जबरन घुसकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के साथ ही जेल में सड़ा देने की धमकी देने वाले राजनांदगांव निवासी आरोपी संजीव एस जैन को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। 12/10/2022 की घटना को ये थाना क्षेत्र में एक स्पर्श हॉस्पिटल है, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार गोयल अनुपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिसमें आवेदन पर इनके द्वारा लिखा गया था, बताया गया था कि कोई अननोन पर्सन है वो हॉस्पिटल में इनके चेंबर में जबरदस्ती घुसकर इनसे इनको एक्सटॉर्शन करते हुए धमकाते हुए कि अस्पताल के संबंध में गफलत चल रही है, कुछ उसके संबंध में कार्रवाई हो जाएगी और अगर आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा करके धमकाते हुए अवैध जो धनराशि है उसकी मांग की थी इनके द्वारा, अज्ञात आरोपी के द्वारा। इसके बाद इनके द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस पर से सुपेला पुलिस ने 452/384/388/417 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे मामला विवेचना पे लेते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर से स्पेशल टीम बनाई थी। स्पेशल टीम के द्वारा लगातार 2-3 दिनों के अथक प्रयास के बाद पे CCTV फुटेज और इन्फॉर्मेशन जो ह्यूमन इंडेक्स होते हैं उनके आधार पर आरोपी को ट्रेस किया। आरोपी संजय एस जैन निवासी बसंतपुर राजनांदगांव का पता चला, जिसके बाद से लगातार पुलिस इसका पता तलाश कर रही थी, फरार चल रहा था। आज पुलिस को इसको ह्यूमन इंडेक्स के आधार पर हिरासत पे लेकर गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया है कि इसके द्वारा ऐसा घटना किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के उपरांत मान्य प्रस्तुत किया गया। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में ASIR के दीवान प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक विकास तिवारी की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।